गदर की सुपरस्टार ने कहां से सीखी है इतनी बेहतरीन एक्टिंग, किस सफल बिजनेस के मालिक हैं सनी और कौन सा सीन रिक्रिएट होने वाला है गदर 2 में। आज हम बात करने वाले हैं गदर के सुपरस्टार जिन्होंने अपने एक्शन अंदाज से लाखों दिलों को जीतने वाले बॉलीवुड कलाकार अपनी शानदार स्क्रीन अपीयरेंस और बुलंद आवाज के लिए पहचाने जाने वाले सनी देओल और उनकी फिल्म को लेकर कई किस्से आज भी कायम हैं। तो चलिए जानते हैं उनके अनोखे किस्से। आज हम आपको उनकी जिंदगी और व्यक्तित्व से जुड़े कुछ बेहद खास बातों के बारे में बताते हैं। जब ये 2.5 किलो का हाथ उठता है ना, तो फिर कोई उठता नहीं, उठ जाता है। सिनेमा के बदलते दौर में भी फिल्म दामिनी में सनी देओल का ये मशहूर डायलॉग तो आपको याद ही होगा। एक्शन और रोमांटिक किरदारों से लेकर बॉलीवुड में अपनी शानदार स्क्रीन अपीयरेंस और बुलंद अंदाज के लिए पहचाने जाने वाली सनी देओल की अलग ही जगह है। इंग्लैंड से सीखी एक्टिंग। अपनी देसी छवि के लिए मशहूर सनी के प्रशंसकों को शायद ही मालूम होगा कि एक्टिंग की पढ़ाई उन्होंने इंग्लैंड के बकिंघम के द ओल्ड वर्ल्ड थिएटर से की। असली नाम आपको बता दे कि सनी देओल का असली नाम अजय सिंह देओल है, तो कैसे पड़ा उनका नाम सनी? तो आपको बता दें कि उनका परिवार उन्हें प्यार से सनी नाम से बुलाता था, तो आगे चलकर फिल्मों में भी उन्हें सनी नाम से ही पहचान मिली। हालांकि 1995 में उन्हें अजय नाम की एक फिल्म में भी काम किया। सफल बिजनेसमैन। फिल्मों के अलावा सनी एक सफल बिजनेसमैन भी हैं। सनी साउंड स्टूडियोस कंपनी में एक एवियट समूह के साथ उनकी पार्टनरशिप है, जिसे उन्होंने 1996 में स्थापित की थी। इस कंपनी का भारत में डॉल्बी डिजिटल साउंड लाने में योगदान माना जाता है। साथ ही सनी अपने भाई बॉबी और पिता धर्मेंद्र के साथ रेस्टोरेंट चेन भी चलाते हैं। अमृता है पहचान। फिल्मों में सनी अपने गुस्सैल और आक्रामक छवि के लिए जाने जाते हैं, पर असलियत में वे बेहद शर्मीले और विनम्र व्यक्तित्व के इंसान हैं। स्टेलोन से प्रेरणा। सनी की शानदार बॉडी के फैंस को शायद ही पता होगा कि इस बॉडी के पीछे हॉलीवुड अभिनेता सिल्वेस्टर स्टेलोन की प्रेरणा है। सनी उनके इतने बड़े फैन हैं कि उन्होंने सिल्वेस्टर स्टेलोन जिम से ही प्रेरणा लेकर अपनी शानदार बॉडी बनाई। मीडिया से दूर। कभी डिंपल कपाड़िया के साथ रोमांस के चर्चा में रहने वाले सनी ने अपने परिवार और पर्सनल लाइफ को हमेशा मीडिया से अलग रखने की कोशिश की। उनकी पत्नी पूजा देओल दूसरी सेलिब्रिटीज की तरह कभी भी मीडिया के सामने नहीं आई। पंजाब दा पुत्र। सनी की फिल्में पंजाब में बहुत अधिक चलती हैं। उनकी यादगार फिल्म गदर की लोकप्रियता तो कुछ इस कदर रही कि पंजाब में कई सप्ताह तक लोगों की दीवानगी को देखते हुए सिनेमाघरों में सुबह 6 बजे का स्लॉट भी इस फिल्म के लिए फिक्स कर दिया गया था। तब से लेकर अब तक सनी को पंजाब का शुभचिंतक माना जाता है। 2 बार नेशनल अवार्ड। जी, सिर्फ सनी देओल का नाम ही इस आने वाली फिल्म से जुड़ा है, बाकी इनका कोई रिश्ता नाता नहीं है। गदर 2 में सिर्फ इनका कैमियो रोल होगा, जो पिक्चर की शुरुआत में दिखाया जाएगा। हमने आपको पहले ही बताया है कि फिल्म में लीड रोल में आने वाले उत्कर्ष ही बाद के सभी सीन में नजर आने वाले हैं। बहुत ही मजे की बात ये है कि बचपन में जिस सीन से उत्कर्ष की जान पर बनी आई थी, उस सीन को फिल्म में उत्कर्ष के साथ दोबारा फिल्माया जाएगा। जी हाँ, ये वही सीन है जिसमें सनी ट्रेन के ऊपर अपने रियल बेटे जीव को लेकर एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे पर कूदते हैं। बस फर्क इतना है कि अब उत्कर्ष रेल के डिब्बों पर अकेले ही कूदते नजर आने वाले हैं। जी हाँ, अब की बार उनकी हीरोइन भी उनके साथ होने वाली।
फिल्म में उनकी हीरोइन को ही किडनैप दिखाया जाएगा। उसी को बचाने के लिए उत्कर्ष इधर से उधर धक्के खाते नजर आएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की गदर 2 की छोटी सी प्लॉट लाइन, हमें कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सेफ रहें। बाय।